देखिए हमने स्टूडेंट कल से जो है कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कल मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में, हब्स के बारे में, स्विचेस के बारे में, ठीक है, राउटर के बारे में इसमें मैंने आपको बताया था। आज हम जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इसमें आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड बाय द फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस लेक्चर इज यूज्ड फॉर एचडीसीएस स्टूडेंट्स एंड पीजीडीसीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंसेप्ट एचडीसीएस स्टूडेंट्स के लिए भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज, इसमें क्या होता है आर्किटेक्चर के अंदर कि हम कंप्यूटर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और कंप्यूटर्स से हम कैसे टास्क लेते हैं, जो जो टास्क हम कंप्यूटर्स को एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर्स में क्या होता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को टू टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है इसके अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क, और सेकेंड आपके पास इसमें होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब सबसे पहले इसमें पीयर टू पीयर हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, इट इज ए नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर विद इक्वल प्रिविलेजेस, जिसमें क्या होता है उनको एक जैसे ही, उनको हम क्या कहते हैं, जो कि एक जैसे ही वो दोनों काम कर सके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, और वो डाटा की प्रोसेसिंग को कर सके पूरा, ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क यूजफुल होता है किस में, स्मॉल एनवायरमेंट्स के अंदर जहां पे केवल 10 कंप्यूटर्स हों, जहां पे आपके पास 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स हैं, तो वहां पे हम जो नेटवर्किंग करेंगे वो हम किस फॉर्म में करेंगे, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ओके। इसमें क्या होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, यानी कि जो आपके पास जो नोड्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो किसी एक सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। स्पेशल परमिशंस आर असाइंड टू ईच कंप्यूटर, इसमें हम क्या काम करते हैं, रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए हर एक कंप्यूटर को कुछ स्पेशल परमिशंस हम असाइन करते हैं, बट दिस कैन लीड टू ए प्रॉब्लम इफ द कंप्यूटर विद द रिसोर्सेज इज डाउन। बट इसमें आपके पास प्रॉब्लम आती है इफ द कंप्यूटर विद द रिसोर्सेज डाउन, अगर कंप्यूटर जो है वो रिसोर्सेज के साथ क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो जो एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो हमने डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब इसके एडवांटेज क्या है, इट इज लेस कॉस्टली एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। तो इसकी जो कॉस्ट आती है आपके पास वो कम आती है अगर हम सर्वर बनाएं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इसमें कॉस्ट कम आएगी। इफ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग, तो इसमें क्या होता है अगर एक कंप्यूटर स्टॉप होता है, काम नहीं कर रहा, लेकिन बाकी के जो दूसरे कंप्यूटर्स होंगे वो काम करना बंद नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इट इज इजी टू सेटअप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेज इटसेल्फ, तो इसका जो सेटअप को मेंटेन करना इसमें इजी है, बिकॉज कंप्यूटर लेता है उसको मैनेज कर लेता है। तो ये तो है पीयर टू पीयर, जिसके हमने पीयर टू पीयर पढ़ा, इसके एडवांटेज क्या है, बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के। तो डिसएडवांटेज इसमें क्या है आपके पास, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इट डज नॉट कंटेन द सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप द डाटा, तो इसमें डाटा का बैकअप भी नहीं ले सकते, बिकॉज द डाटा इज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि जो डाटा होता है ना वो आपके पास डिफरेंट लोकेशन के अंदर पड़ा होता है, एक जगह पे कलेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो अब उनका जो बैकअप लेना है वो मुश्किल हो जाता है। इट हैज ए सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस मैनेज इटसेल्फ, क्योंकि इसमें डिवाइस अपने आप खुद मैनेज करता है, तो जो सिक्योरिटी इशू इसके अंदर नहीं हो पाते, ठीक है। जो सेकेंड आपके पास नेटवर्क आता है दैट इज द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, वो क्लाइंट सर्वर के ऊपर क्या होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क मॉडल डिजाइन है, ये एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया, जिनको टू एसेस द रिसोर्सेज सच एज जैसे सॉन्ग्स हो गया, वीडियोस हो गया, फ्रॉम ए सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर, जिसमें क्या होगा कि एक सर्वर होगा और बाकी के जो कंप्यूटर्स होंगे वो सर्वर के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है। द सेंट्रल कंट्रोलर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड सर्वर, व्हाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स, ठीक है।
सर्वर क्या करेगा, मेजर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे सिक्योरिटी हो गया। अब इसमें क्या है कि हम सर्वर में क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी हम कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। सर्वर का काम क्या होता है स्टूडेंट, सर्वर की रिक्वायर्ड किस लिए होती है, व्हाई वी रिक्वायरमेंट ऑफ जो है सर्वर। इस सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज, जैसे फाइल्स हो गया, डायरेक्टरीज हो गया, सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, जैसे फाइल्स और डायरेक्टरी, प्रिंटर्स को, ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। कि क्लाइंट्स लोग क्या होते हैं कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर। इफ क्लाइंट वन वॉन्ट टू सेंड सम डाटा टू क्लाइंट टू, देन इट फर्स्ट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर द परमिशन। अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर इसमें दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, सर्वर। आपको पहले सर्वर से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। सर्वर क्या करेगा, उसको आगे दूसरे कंप्यूटर तक उस डाटा को पहुंचाएगा। द सर्वर सेंड द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट वन टू इनिशियलाइज इट्स कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट टू। तो सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट वन की क्लाइंट टू के साथ कम्युनिकेशन करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ये डायग्राम है आपके पास, ये एक आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, ठीक है, एक आपके पास ये क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, ठीक है, हम इसमें मोबाइल को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंटरनेट से आप कनेक्टेड है, और ये सर्वर है, कि मतलब ये जो है आपके पास ये किसके साथ कनेक्टेड है, सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, बात करनी है, तो उसे पहले सर्वर की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेगा तो पहले सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उसको फिर आगे भेजेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के, कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन्स द, ये किस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करता है, देयरफॉर वी कैन बैकअप द डाटा इजीली। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आप डाटा का बैकअप है, वो डाटा का बैकअप आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज ए डेडिकेटेड सर्वर, इनके पास सर्वर्स जो होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, जिससे क्या होता है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है होल सिस्टम्स की, उसमें इंप्रूवमेंट होती है। सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बिकॉज सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर द शेयर रिसोर्सेज। सिक्योरिटी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में बेटर होती है क्योंकि एक सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, रिसोर्सेज को शेयर करता है। और इसके और भी क्या आपके पास एडवांटेज है, इट आल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। और ये क्या काम करता है, रिसोर्सेज को शेयर करने की स्पीड को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जिस तरीके से पीयर टू पीयर मॉडल के कुछ डिसएडवांटेज थे, ऐसे ही क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक एक्सपेंसिव है, ठीक है, कंपैरिजन टू हम बात करें पीयर टू पीयर, बिकॉज इट रिक्वायर्स द सर्वर विद लार्ज मेमोरी, क्योंकि जो इसमें सर्वर लगाना पड़ता है वो एक बड़ी मेमोरी के साथ हमें लगाना पड़ता है। एक सर्वर का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, ताकि वो क्लाइंट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, बट द कॉस्ट ऑफ एनओ इज वेरी हाई, बट जो इनकी कॉस्ट होती है आपके पास वो क्या होती है, काफी हाई होती है। इट रिक्वायर्स ए डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल द, और इसमें एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज को क्या कर सके, हम मैनेज कर सके, ठीक है कि नहीं। तो आज के जो स्टूडेंट हमने टॉपिक में जो हमने इसके अंदर पढ़ा, वो टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताया, कि नेटवर्क आर्किटेक्चर आपके पास क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर आपके पास इसमें क्या होता है, कि टू टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर कि जहां पे कंप्यूटर्स ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं होते, 5 से लेकर 10 तक के बीच में कंप्यूटर्स की संख्या होगी, वहां पे हम पीयर टू पीयर करते हैं। ये थोड़ा सा चीपली सिस्टम होता है सर्वर मॉडल से, और इसमें क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो स्टिल वर्किंग के अंदर रहते हैं, ठीक है कि नहीं। बट इसमें डाटा सिक्योरिटी नहीं होती, और इसमें आप किसी डाटा का बैकअप नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल की, तो इसमें थर्ड आपके पास एक सर्वर होता है, सर्वर के थ्रू आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाटा बैकअप उसके अंदर अच्छा होता है, डाटा की सिक्योरिटी उसके अंदर अच्छी होती है, कंपैरिजन टू पीयर टू पीयर मॉडल। और जहां पे 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स हों, वहां पे एक डेडिकेटेड सर्वर की आपको क्या होगी, नीड होगी, जरूरत पड़ेगी, ताकि आप प्रॉपर वे के अंदर इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सको।
ठीक है। कल जो मैंने टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर स्टूडेंट मैंने यही बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जिसके जिसमें क्या होता है कि कई जिसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और नेटवर्किंग करने का बेनिफिट ये होता है कि आप कई सारे कंप्यूटर्स एक प्रिंटर से ही काम चला सकते हैं, और एक प्रिंटर को वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। आपको हर एक कंप्यूटर के लिए एक अलग से प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होता है नेटवर्किंग के अंदर कि अगर एक कंप्यूटर ऑफिस में पड़ा है, इधर आप लैब में बैठे हो, उसके बीच में थोड़ा सा गैप भी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को आप इजीली शेयर कर सकते हो, प्रिंटआउट्स निकाल सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है नेटवर्किंग का। ठीक है। तो फिर मैंने कल नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स बताए थे कि किन किन मीडियम की हेल्प से आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड कर सकते हो। जैसे आप हब का यूज कर सकते हो, स्विचेस का यूज कर सकते हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का आप जो है उसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी अदर टॉपिक्स हैं वो फिर मैं आपको इसमें नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के कितने टाइप के जो हैं आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। देर आर द टाइप्स ऑफ लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, पैन क्या होता है। ठीक है। तो ये नेटवर्किंग की जो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे हमने यूट्यूब के ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है। आप वहां पे जाके अपने लेक्चर्स को देख सकती हो। गूगल क्लासरूम में आपके ऊपर भी उनके लिंक्स भेजे हुए हैं आपको, और क्या कहते हैं, साथ में ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है और वीडियोस भी अवेलेबल है। आप ट्यूटोरियल्स को पढ़कर और वीडियोस को पढ़कर आप दोनों एक दूसरे की चीजों को आप अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।